हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, हम लोग ने लास्ट वीक एक वीडियो पोस्ट किया था। जो वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी शायद 11,600 और 12,050 तक जा सकती है, बट जैसे कि हमने वेनसडे देखा, निफ्टी ने 11,250 का लो तोड़ दिया है और अभी निफ्टी क्लोज़ हुआ है 11,230 के आसपास। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम लोग निफ्टी को और नीचे देख सकते हैं, यहाँ से और 400 पॉइंट या 500 पॉइंट नीचे निफ्टी जा सकती है या नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। अभी हम लोग टाइम फ्रेम को नीचे करेंगे, दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, बिकॉज़ कभी भी आप कुछ एनालाइज़ करते हो तो पहले आप उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली। उसके बाद आप उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखो कि डेली में आपको कहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग शायद 11,600 का या 12,000 का टारगेट देख सकते हैं, वो ऊपर आई बटन से आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैंने वो व्यू किस बेसिस पे दिया था। अभी जो वेनसडे क्लोज़ हुआ है, दैट इज़ 11,234, मतलब मैंने वो वीडियो में बताया भी था कि अगर 11,250 के नीचे क्लोज़ हो जाता है तो ये व्यू इनवैलिड रहेगा। बट जैसे कि हम लोग ने वो एनालाइज़ किया था, वो एनालाइज़ हमारा था वीकली पे, तो उसके लिए हमें वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कल जो ट्रेडिंग डे है, दैट इज़ ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे जनरली वीकली क्लोज़ है। तो वीकली क्लोज़ अगर ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो और वापस से निफ्टी आके ऊपर क्लोज़ हो जाए, तो फिर वो व्यू मेरा वैलिड ही रहेगा। अगर फ्राइडे मतलब कल अगर निफ्टी क्लोज़ होती है 11,250 के नीचे, तो वो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज़ वीकली क्लोज़ नीचे दे दिया है। तो अगर वीकली क्लोज़ अगर ख़राब आता है तो हम लोग और नीचे देख सकते हैं, और अगर वीकली क्लोज़ 11,250 के ऊपर आता है तो हम लोग शायद निफ्टी को वापस से एक फर्दर पुल बैक देख सकते हैं 11,600 या फिर जो आने वाला मेरा टारगेट था उस तक। तो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी हम लोग सिर्फ जज करने वाले हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में, क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो, अभी मार्केट यहाँ पर है, अभी निफ्टी यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ से और नीचे मार्केट को देखेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे आपने तीन मूविंग एवरेजेस देखी होगी। जनरली मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हो, तो मूविंग एवरेजेस यूज़ करना डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर पे। अगर मार्केट को हम लोग को शॉर्ट टाइम में ट्रेड करना है तो आप फिर 20 सिंपल मूविंग एवरेज से आप देख के ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपको लॉन्गर पीरियड में कोई अगर व्यू आपको लेना है तो आप 50, 100 या 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करो, बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है जब आप बात करते हो ज़रा लॉन्ग टर्म व्यू की। तो जैसे कि आपने देखा कि मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, तो अगर आप ये रेड वाली मूविंग एवरेज देख सकते हो, ये रेड वाली, तो दिस इज़ 50 मूविंग एवरेज। ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट कल था, थोड़े से टाइम पे ऊपर आने की कोशिश की थी, फिर वापस से मार्केट उसके नीचे ही क्लोज़ हुआ है। तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ होना वो कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट। और ऊपर से उसने हमारा 11,250 का जो सपोर्ट था, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये कैंडल का, वो भी उसने तोड़ दिया है और यहाँ पे वो नीचे क्लोज़ हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फ्राइडे के सेशन में मार्केट 11,250 के नीचे ही ट्रेड करेगा, शायद कल गैप डाउन भी हो सकता है या फिर गैप अप भी हो सकता है। अगर कल गैप डाउन होता है तो हम लोग निफ्टी को फिर एक टारगेट जो बनता है वो प्रीवियस यहाँ का जो हाई था, आप देख सकते हो ये जो हाई है निफ्टी का जो हम लोग ने बनाया, मतलब जो मार्केट ने बनाया था 29 जनवरी को। तो बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा टफ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक आपकी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। इसका हाई था 11,171 का, तो हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, तो हमको क्या एनालाइज़ करने के लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा कि भाई मार्केट यहाँ पर आके शायद रुक सकता है। तो अगर मार्केट और नीचे जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट है 11,171। अगर ये ब्रेक करता है तो उसके नीचे आप एक ग्रीन कलर का लाइन देख सकते हो जो 100 मूविंग डे एवरेज है, तो वो है 11,021 का। उसके बाद अगर ये भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो मेरा फाइनल टारगेट रहेगा ये जो 200 डे मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देख रहे हो, विच इज़ 10,744। तो अगर यहाँ तक मार्केट आ जाएगा तो मार्केट में बहुत ही ऑब्वियसली बहुत सारी पैनिक्स होगी और बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने अपने ट्विटर में एक जगह पे बताया भी था कि निफ्टी ऊपर जा सकती है, और मैंने एक डॉलर का भी हम लोग ने व्यू दिया था जिसमें मैंने बताया था कि डॉलर शायद 75 तक आ सकता है। तो
अगर $75 आता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस देख सकते हैं, जो शायद यहाँ तक भी आ जाए 10,700 तक, या फिर यहाँ से वापस से वो रिवर्स कर ले 100 मूविंग डे एवरेज से जो है 11,021। तो फिलहाल तो हम लोग कल के लिए वेट करेंगे, देखेंगे कल मार्केट कैसे क्लोज देता है, क्या देता है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है तो शायद पॉसिबल है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद शायद नीचे जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाए। पर हाल फिलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है करेंसी को देखते हुए, तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मार्केट यहाँ पे क्लोज़ ना दे और नीचे ही क्लोज़ हो। तो मैं आपसे सिर्फ यही करूँगा, कहूँगा कि आप अपनी जो पोजीशंस है वो बहुत संभाल के बनाइए मार्केट पे, बिकॉज़ अभी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड चला जाएगा तो अपने सारे स्टॉक्स जो है वो भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे सिर्फ ये शेयर करना था, इसके लिए मैं आपके साथ एक कनेक्ट हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ये व्यू शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनसे उनको भी कुछ हेल्प हो सके मार्केट रिलेटेड। थैंक यू।